हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.54 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. जो मून की डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर की 1/4 है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया की रेशियो बतानी है. अब मून छोटा है किसमें? स्फीयर की शेप में. अर्थ आपकी क्या है? बड़ी है. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर की 1/4 है. अर्थ की अगर डायमीटर आप एक्स अज्यूम करेंगे तो मून की कितनी हो जाएगी? इसकी 1/4, एक्स की 1/4, मतलब 1/4 x. ठीक है, आपको क्या बताना है? रेशियो बतानी है उनकी सरफेस एरिया की. ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ मून, इसकी रेशियो किसके साथ? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. ठीक है, अब मून का सरफेस एरिया क्या होगा? 4π, और मून की जो रेडियस है, मून की रेडियस क्या आ जाएगी? x बाई फोर तो डायमीटर है, और इसकी हाफ, x बाई फोर की हाफ क्या हो जाएगी? x बाई एट. रेडियस का स्क्वेयर. रेशियो किसके साथ? 4π अर्थ की. अर्थ की रेडियस क्या आ जाएगी? ये x है तो x बाई टू का स्क्वेयर. ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में होते रेशियो हो तो दोनों साइड से आप सेम को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. 4π से 4π कट हो गए. क्या बचा यहाँ? x/8 × x/8 रेशियो x/2 × x/2. ठीक है, क्या आएगा यहाँ से? x से एक x कैंसिल, इस x से इस ये x कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर? 1, और नीचे 8 × 8 = 64 रेशियो 1, 2 × 2 = 4. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, 4 यहाँ चला जाएगा और ये 64 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 × 64. ठीक है, अब 4 × 1 = 4, 16 × 4 = 64, तो आपकी रेशियो क्या आ गई? 1:16. ठीक है, मून और अर्थ की रेशियो क्या आ गई? 1:16. आपका क्या गिवन था? डायमीटर जो है आपकी मून की वो अर्थ की क्या है? 1/4. अर्थ की डायमीटर आपने अज्यूम कर ली एक्स है, तो मून की क्या हो जाएगी? 1/4 x. और रेशियो वाला सम हमने पीछे भी किया था, सेम वैसे ही हमने दोनों को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया, तो हमारी रेशियो आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसने एनक्लोज किया है एक स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा है कि यहाँ भी ये टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है ये स्फीयर. नीचे जो इसका बेस है उसको भी टच कर रहा है ये स्फीयर आपका. ठीक है, और ऊपर जो इसका टॉप है उसको भी टच कर रहा है, जस्ट एनक्लोज कर रहा है. ना वो जो स्फीयर है वो ना उस सिलेंडर से बड़ा है ना उस सिलेंडर से छोटा है, एग्जैक्ट उस सिलेंडर जितने ही है. ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल फिट आ रहा है. अगर स्फीयर की रेडियस आर है, ये रेडियस है आर. ठीक है, तो आपको क्या बताना है? सरफेस एरिया स्फीयर का. रेडियस क्या गिवन है? आर ना. सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4π r² और रेडियस आर ही गिवन है, तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 4π r². नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अब सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए होती है? सिलेंडर के लिए एक तो ये चाहिए होती है हमें, जो नीचे सर्कल है उसकी रेडियस. दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? सिलेंडर की हाइट. तो हमारे पास क्या आ जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का. ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होती है, तो ये आर, तो ये भी क्या हो गया? आर. ये अब सेंटर से और सर्कल की बाउंड्री तक, तो ये क्या हो गया? आर. मतलब आर प्लस आर. हाइट कितनी होगी आपके सिलेंडर की? 2r. ठीक है,
अब हाइट क्या आ गई 2R। और देखिए ये और ये सेम है ना, ये जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी ये रेडियस क्या है R, रेडियस है R और हाइट है 2R आपके पास, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या होता है 2πRh, 2π रेडियस और हाइट, हाइट है आपके पास क्या 2R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, पाई एज इट इज, आर की आर के साथ होगी तो क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आ गया सिलेंडर का 4πR2। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, 1 और 2 में जो रेशियो निकाली है आप, रेशियो बतानी है 1 और 2 से आपको जो एरिया मिला है, 1 से ये एरिया मिला, 2 से ये, 1 से एरिया मिला क्या 4πR2, रेशियो किसके साथ सेकंड के साथ, ये भी क्या है 4πR2, क्या होगी रेशियो सेम है ना दोनों, तो 1:1 दोनों का एरिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना था आपको, सिंपल आपको ये गिवन था कि जस्ट एनक्लोज कर रहे हैं, ना स्फीयर छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। थैंक यू क्लास।